तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले उनके एक नए स्मार्टफोन इन्फिनिक्स 08i स्मार्टफोन के बारे में, जो इंडिया के अंदर 3rd December को लॉन्च होने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं इसके सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इंडिया के अंदर ये किस प्राइसिंग के ऊपर लॉन्च होगा और किस तरह के मेरे ओपिनियन है और किस तरह का स्मार्टफोन होने वाला है। तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मगर उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए होना तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर क्लिक करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए और ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आप तक जो हमारे सारे नोटिफिकेशन है ना वो टाइम पर पहुंच सकें। तो इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला ये जो स्मार्टफोन है ना वो आपको एक ग्लोसी बैक डिजाइन के साथ के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ में इसके जो रियर साइड के अंदर जो कैमरा सेटअप है ना वो काफी जबरदस्त डिजाइन के साथ में देखने को मिलने वाला है। मगर यहाँ पर जो पीछे का ग्लोसी डिजाइन है ना वो होने वाला है पॉलीकार्बोनेट वाला ही। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें इस डिवाइस के डिस्प्ले की तो इसके अंदर आपको 6.85 इंच की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलने वाली है। और ये जो डिस्प्ले है ना वो आपको 90Hz की हाई रिफ्रेश रेट के साथ में देखने को मिलने वाली है, जिसके कारण जो स्मूथनेस है ना वो काफी बेटर इस डिवाइस के अंदर देखने को आपको मिलेगी। इसी के साथ में ये जो डिवाइस है ना वो आपको 8GB की रैम विद 128GB की स्टोरेज के साथ में देखने को मिलने वाला है और इंडिया के अंदर केवल है ना यही एक वेरिएंट देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ये जो डिवाइस है ना वो आपको LPDDR4X रैम के साथ में और यहां तक कि UFS 2.1 स्टोरेज के साथ में देखने को मिलने वाला है, जिसके कारण जो हैंगिंग और लेगिंग का इशू है ना वो आपको शायद इस डिवाइस के अंदर देखने को मिले। यहां पर सारा का सारा खेल है ना वो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का सॉफ्टवेयर यहां पर आपको दिया जाएगा। अगर बात कर ले सॉफ्टवेयर की तो इसके अंदर आपको XOS 7 के साथ में Android 10 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अगर बात कर लें यहां पर परफॉर्मेंस की तो इसके अंदर जो आपको चिपसेट है ना वो MediaTek की तरफ से आने वाला Helio G90T वाला चिपसेट देखने को मिलने वाला है। और Infinix ने ना पहली बार ऐसा काम किया कि वो इतना पावरफुल चिपसेट है ना वो अपने डिवाइस के अंदर देने जा रहा है। इसी के साथ में ना इस डिवाइस के रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर जो मेन सेंसर है ना वो आपको 48MP का देखने को मिलेगा। उसी के नीचे एक 8MP का आपको वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलने वाला है और आखिर में आपको एक डेप्थ सेंसर और एक मैक्रो सेंसर यहां पर देखने को मिलेगा। अगर बात कर ले फ्रंट डिस्प्ले की यानी कि फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट डिस्प्ले के अंदर जो कैमरा है ना वो डुअल पंच होल सेटअप के साथ में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो मेन सेंसर है ना वो आपको 16MP को देखने का मिलने वाला है। उसी के साथ में 8MP का वाइड एंगल सेंसर जो है वो आपको फ्रंट साइड के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें यहां पर बैटरी डिपार्टमेंट की तो यहां पर 4500mAh की बैटरी विद 33W के फास्ट चार्जर के साथ में देखने को मिलने वाली है और टाइप सी का भी सपोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं ये जो फास्ट चार्जर है ना वो आपको इन द बॉक्स देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स की तरफ से। अगर हम लोग बात करें सेंसर्स की तो इसके अंदर आपको सारे के सारे जो सेंसर है ना वो इंक्लूडेड मिलने वाले हैं, यहां तक कि यहां पर आपको है ना साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये जो डिवाइस है ना काफी ज्यादा मॉडर्न लुक के साथ में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो स्मार्टफोन है ना अगर मेरे ओपिनियन तो काफी जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। अगर बात कर ले मेरी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की तो कितनी हो सकती है, ये जो स्मार्टफोन है ना वो इंडिया के अंदर आपको तकरीबन 15,000 की प्राइसिंग के देखने को मिल सकता है। अब हमको वेट करना होगा कि किस तरह की प्राइसिंग के ऊपर आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और ऑल के ऊपर क्लिक करना ताकि आपको जो हमारी नोटिफिकेशन है ना वो टाइम पर मिल सके।